अब पटियाला दुनिया के सबसे चमकदार शहर दुबई के संकट का परीक्षण करेगा। इसमें भारत के लिए भी बड़ा संदेश है। दुबई बाढ़ की मार झेल रहा है। भारी बारिश से ऐसी तबाही मचाई है कि दौड़ती हाईटेक सिटी पर ब्रेक लग गया है। दुबई के साथ अबू धाबी, शारजहां और अजमान भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। दुबई के कई इलाकों में बाढ़ ने जो हालात कर दिए हैं वो दुनिया और वहां के स्थानीय लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। वीडियो और तस्वीरें देखकर लगता यह है कि मानो पूरा सिस्टम ही फेल हो गया है। जिसने दुबई को बिना बाढ़ के देखा है वो तो और भी ज्यादा हैरान है। सबके मन में दो सवाल हैं कि ऐसे मॉडर्न और एडवांस शहर में पानी निकालने का सिस्टम क्यों नहीं है, और रेगिस्तान कहे जाने वाले इलाके में इतना पानी कैसे और क्यों बरस रहा है। दुबई में बाढ़ के भयंकर हालात को लेकर हमने एक रील तैयार की है, पहले आप वो देख लीजिए। पहली तस्वीर दुबई एयरपोर्ट की है। प्लेन की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, रनवे पर पानी भर गया है। पानी इतना है कि प्लेन के टायर तक नजर नहीं आ रहे हैं। प्लेन उड़ने की जगह खड़े हैं, कतार में इंतजार कर रहे हैं। ये दुनिया के दूसरे सबसे बिजी एयरपोर्ट की हाल है। यहां रोजाना करीब 2 लाख यात्री आते जाते हैं और 102 देशों के विमान यहां पर उतरते हैं। दूसरी तस्वीर दुबई शहर की है। जहां तक आपकी नजर जाएगी हर तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। दुबई में 10 किलोमीटर तक सफर करने के लिए औसतन 13 मिनट लगते हैं, लेकिन बाढ़ की वजह से सड़कों पर फराटा भरती लग्जरी कारें भी सरेंडर कर चुकी हैं। अब तीसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। यह नजारा दुबई के एक शॉपिंग मॉल का है। सड़कों पर परे भानी को जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो शॉपिंग मॉल के अंदर घुस गया। शोरूम में बाढ़ ने जैसे ही एंट्री ली अंदर रखा सामान तैरता हुआ बाहर आने लगा। शोरूम के लोग बाढ़ के पानी को बाहर निकालते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को बाढ़ के पानी से बचने के लिए पहली मंजिल पर पनाह लेनी पड़ी। अब चौथी तस्वीर देखिए। चौथी तस्वीर दुबई की मशहूर शेख जायद रोड की है। यहां के अंडर ब्रिज में इतना पानी भरा है कि कार डूब गई, जिसमें एक शख्स बुरी तरह से फंस गया। गनीमत यह रही कि वक्त रहते रस्सी की मदद से उसे बचा लिया गया। इसी तरह का हाल बाकी गाड़ियों का भी दिख रहा है जो बाढ़ में डूबी हुई है। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। अब पटियाला आपको यह बताएगा कि दुबई में इतना पानी भरा क्यों। दुबई में तापमान ज्यादा और बारिश कम थी, इसीलिए बारिश के पानी से निपटने के लिए जो सिस्टम तैयार किया गया है उसकी क्षमता कम है। यह सिस्टम प्रति घंटे 30 से 40 मिलीमीटर बारिश का बोझ उठा सकता है, लेकिन दुबई में 12 घंटों के भीतर ही लगभग 100 मिलीमीटर बारिश हुई, जिससे बाढ़ को काबू करने में दुबई फेल हो गई। ड्रेनेज कम, बारिश नतीजा ज्यादा। नतीजा दुबई डूब गई। पिछले 3 साल से ज्यादा बारिश के कारण हो रही दिक्कत को देखते हुए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं दुबई में। अब दुबई डीप टनल स्टॉर्म वाटर सिस्टम पर काम कर रहा है जो 2 साल में तैयार हो जाएगा। तब तक समस्या होगी, लेकिन क्या इस समस्या को दूर किया जाएगा? क्या दुबई को बसाने में कुछ बुनियादी कमियां हैं? इन्हीं सब सवालों पर पटियाल ने सिटी एक्सपर्ट उनसे बात की। अब आप उनकी बात को जरा गौर से सुनिए। जो जमीन है जिसका लूज स्ट्रक्चर है, हम रॉक लेवल पे नहीं हैं, सॉइल पक्का सॉइल स्ट्रेटा पे हम नहीं हैं। दुबई तो पूरी बैठी है अपनी भारत देश से जमीन पे नहीं है। जो भी डेवलपमेंट होगा वो सैंड सैंड ड्यून्स पे हो गए, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन जो करने वाले हो कितना तक उसको पक्का करेंगे? जो फाउंडेशन बनना चाहिए बिल्डिंग के लिए और ड्रेनेज का मेनली, लेकिन जब तक रॉक लेवल पे हम नहीं जाते हैं और पाइल फाउंडेशन के रॉक लेवल में पहुंचने तक जो बिल्डिंग को मजबूती आ जाती है, तो ये लूज सॉइल मार्शल लैंड पे रिक्लेम सॉइल पे हम नहीं डिपेंड कर सकते हैं। आप बॉम्बे का जो भी कंस्ट्रक्शन देखिए, मरीन ड्राइव, नरीमन पॉइंट, ये पूरी रिक्लेम लैंड है, लेकिन हमारा फाउंडेशन और रॉक लेवल तक गया है। अभी हमने टनल बनाए तो
तो सैंड में से नहीं गए, सैंड 6-7-5 फुट ऊपर है चौपाटी की, नीचे पूरा रॉक है, ब्लैक रॉक है, उसको तोड़ के हमने टनल बनाया। तो जब तक हम वो रॉक लेवल पे नहीं जाते, बिल्डिंगें बनी है, बिल्डिंगें नहीं गिरेगी दुबई की इतनी आसानी से, बट ये जो ड्रेनेज है वो रॉक लेवल तक उसका स्ट्रक्चर है ही नहीं ना, ये लूज सॉइल पे बैठी है, तो वो पूरी ड्रेनेज के ड्रेनेज उठा के बारिश लेके जाएगी। तो ड्रेनेज सिस्टम इस माध्यम से उनको चेंज करना पड़ेगा कि उसका भी फाउंडेशन है ड्रेनेज का, और रॉक लेवल तक जाना पड़ेगा। वैसे अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो आप सुनिए, हमारे यहां भी सूखे से मुक्ति के लिए वो बातें की जाती हैं। दुबई की बाढ़ के बारे में पढ़ते हुए मुझे ये भी पता चला कि दुबई में भारी बारिश की वजह से क्लाउड सीडिंग भी है उसका एक कारण। मुख्य तौर पर यूएई ने जल सुरक्षा जैसे मुद्दों के समाधान के लिए साल 2002 में क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन शुरू किया था, लेकिन बारिश के आर्टिफिशियल उपाय और दुबई के बिल्डिंग मैनेजमेंट प्लान को लेकर टाउन प्लानर का क्या मानना है वो भी समझ लीजिए। 15-20 साल से वो क्या कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। क्लाउड सीडिंग का मतलब ये है कि क्लाउड में कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे कि आर्टिफिशियल रेन होती है, और उससे वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका शायद उसका भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। दुबई में जो कंसंट्रेट किया उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे किया, बहुत फ्लाईओवर्स बने, करीब 200 फ्लाईओवर्स हैं वहाँ पे, बड़ी बड़ी रोड्स बनी हैं, बड़े बड़े ये बने हैं, और कुछ पार्क भी बनाए उन्होंने। लेकिन पार्क जो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो जनरली हमारा टाउन प्लानिंग का प्रिंसिपल होता है कि 20% एरिया ग्रीन होना चाहिए ताकि जो हमारा रेन वाटर है वो एब्जॉर्ब हो जाए पानी, और ग्रीनरी से एक हमारा कॉन्सेप्ट है स्पंज सिटी का। स्पंज सिटी का मतलब ये है कि जो भी पानी आएगा, रेन आएगी, वो उसमें एब्जॉर्ब होनी चाहिए पानी में और ज़मीन में, ताकि वो फ्लड ना करे। तो वो स्पंज सिटी का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे अडॉप्ट नहीं किया गया। क्लाउड सीडिंग की तकनीक भारत में नई नहीं है, दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का हल खोजने के लिए भी क्लाउड सीडिंग का एक विकल्प देखा गया था, लेकिन ये अलग बात है कि प्रदूषण कम होने के बाद दिल्ली सरकार ने इससे मन बदल लिया था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।